फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, 10th क्लास, एक्सप्लेन बाय जय सर। आप सभी का जय सर चैनल पे स्वागत है। और आज की हमारी दूसरी कविता है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का मतलब सबको पता है, आग और पानी। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि संसार नष्ट होगा। संसार के बारे में वो भविष्यवाणी करता है कि संसार चाहे आग से नष्ट हो और चाहे बर्फ़ से नष्ट होगा, संसार नष्ट ज़रूर होगा। अब यहाँ पर आग का मतलब वो इच्छाओं को बताता है और बर्फ़ का मतलब यहाँ पर जो नफ़रत फैल रही है संसार के अंदर उसको वो शो करता है। तो कहने का मतलब है कि इच्छा, लालच, लोभ, क्रोध और जो कटुता है हमारे दिलों के अंदर, जो नफ़रत के भाव भरे हुए हैं, जो घृणा भरी हुई है, इन सब से संसार नष्ट होने के कगार पे है। तो इस संसार के बारे में कवि अपने विचार अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहता है। हालांकि कविता बहुत छोटी है लेकिन इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है बहुत बड़ा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन कवि हैं, जैसा कि आप जानते हैं, डस्ट ऑफ आपने पढ़ा। तो इसकी इनकी दूसरी कविता है फायर एंड आइस। तो सबसे पहले देखते हैं फायर एंड आइस क्या है। फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पोएम बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस एक छोटी कविता है किनके द्वारा है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं, इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर, द पोइट रेफर्स, रेफर्स यानी बताता है, क्या बताता है, टू प्रिडिक्शन। टू प्रिडिक्शन यानी दो भविष्यवाणियाँ। प्रिडिक्शन नया शब्द है आपका, इसको अपन फोर टोल्ड भी कह सकते हैं। भविष्यवाणी करना किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं प्रिडिक्शन। तो कवि यहाँ पर दो भविष्यवाणियाँ करता है। क्या करता है, दो भविष्यवाणियाँ करता है। हाउ, कैसे द वर्ल्ड, ये संसार विल एंड, समाप्त होगा, कि ये संसार समाप्त कैसे होगा। सम से कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार किस में ख़त्म होगा, आग में। वेराज और जबकि अदर्स, कुछ लोग, दूसरे लोग कहते हैं इट विल एंड इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग में समाप्त होगा, कुछ लोग कहते हैं कि संसार बर्फ़ में समाप्त होगा। अकॉर्डिंग टू द पोइट फायर, अब जो कवि है फायर का मतलब क्या कहता है, ये आपको प्रश्न भी पूछ सकता है कि कवि के अनुसार आग का मतलब क्या है, फायर किसके लिए प्रस्तुत किया है कवि ने। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट फायर स्टैंड्स फॉर, आग का प्रयोग किया गया है या आग आया है किसके लिए, डिजायर, इच्छाओं के लिए, ग्रीड, लालच के लिए, एवरिस, लोभ के लिए, लस्ट, काम वासना के लिए, कामुकता, काम वासना, लोभ, लालच और इच्छाएं, इन सब के लिए कौन सा वर्ड आया है, फायर। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, कवि कहता है कि मोर यानी ज़्यादा, यू यानी तुम, ट्राई यानी कोशिश करोगे सेटिस्फाई, संतुष्ट करने की देम, इन सबको, इच्छा को, लालच को, लोभ को, कामुकता को, जितना तुम संतुष्ट करने की कोशिश करोगे, द मोर दे ग्रो, ये इतना ही ग्रो करेंगी यानी उतना ही बढ़ेंगी। लोभ कभी ख़त्म नहीं होता, लालच कभी ख़त्म नहीं होता, इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती और कामुकता भी कभी ख़त्म नहीं होती। तो इनको अपन जितना संतुष्ट करेंगे उतना ही बढ़ेंगी। देयर इज़ नो एंड टू इट, इनका कोई अंत नहीं है, तो संसार फिर नष्ट होगा ही। दे स्प्रेड, ये फैलती हैं, ये फैलाती हैं रैपिडली, तेज़ी से, लाइक फायर, ये कैसे फैलती हैं, आग की तरह फैलती हैं। एंड एनगल्फ, निगल जाती हैं, योवर वोल लाइफ, तुम्हारे पूरे जीवन को। तो जिसके जीवन में डिज़ायर्स हैं, लस्ट है और एवरिस है और ग्रीड है, उनका जीवन एक तरह से ख़त्म मान लीजिए आप, ख़त्म मान लीजिए आप, क्योंकि कवि कहता है कि ये फैलती हैं आग की तरह और ये हमारे पूरे जीवन को निगल जाती हैं। वन बिकम्स, और जिनके पास ये लोभ लालच कामुकता होती है, ऐसे आदमी बिकम्स बन जाते हैं सेल्फिश, स्वार्थी बन जाते हैं वो। समटाइम्स, कभी कभी तो क्रूअल, कभी कभी निर्दयी बन जाते हैं, निर्दयी बन जाते हैं और स्वार्थी बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो बर्फ है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, वो नफरत के लिए आई है, कोल्डनेस, एकदम भावशून्य होना, और रिजिडिटी, कठोरता के लिए आई है। वन बिकम्स इनसेंसिटिव, और जो लोग होते हैं वो इनसेंसिटिव, असंवेदनशील बन जाते हैं, और इनडिफरेंट, उदासीन बन जाते हैं टुवर्ड्स की तरफ, फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों की भावनाओं के लिए। द पोइट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर ग्रोविंग विद, कभी कहता है कि आग और बर्फ दोनों ही बढ़ रही हैं रैपिड स्पीड, तेज़ी के साथ,
वर्ल्ड और ये संसार जल्द ही पेरिस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, चाहे वो आग में हो चाहे वो बर्फ में हो, लेकिन ये संसार क्या जाएगा, नष्ट। तो ये आपकी दूसरी पोइम थी, थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।